नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमोहित सिंह। दोस्तों, हम आपके इस चैनल पे जितेंद्र मशीनरी कंपनी पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं और आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ देखते रहते हो। तो दोस्तों, आज जो हम आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं ये है नोटबुक रजिस्टर मैनुफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन्स है। ये है नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन, जिसमें ये फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर से ऑपरेटेड है। इसमें आपने सिर्फ नोटबुक का साइज डालना है। जैसे ही मेरे पास अभी नोटबुक तैयार होने के लिए इसका टाइटल पड़ा हुआ है, आप इसमें देख सकते हो डबल कॉपी का टाइटल होता है। ये डबल कॉपी का टाइटल है सारा। जैसे इसमें हम सैंपल के लिए है, जैसे दो दो कॉपी तैयार होता है। अभी ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सबसे पहले सेंटर में पिनिंग लगेगा। हमने एक कॉपी के अंदर दो पिन डालनी है, तीन पिन डालनी है, वो सारा हमने इधर प्रोग्राम में जाके सेटिंग कर लेना है। इसमें हम प्रोग्राम में जाके जब डालेंगे हमें कितने नंबर ऑफ पिन्स कितने कितने सेंटीमीटर के गैप पे चाहिए, तो वो खुद ब खुद सारी पिन्स इसमें डल जाएगी। पिनिंग डलने के बाद ये हमारा पिनिंग का स्टेशन है। हमने नोटबुक को इसको सीधा ऐसे करके यहाँ पर रखना है। जो भी साइज हम प्लेस करेंगे, छोटी बड़ी कॉपी, सभी तरह की कॉपी हमारी इन्हीं मशीन में बनेगा। आपको अलग अलग साइजेस के हिसाब से अलग अलग मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे कॉपी रखनी है। हमारी मशीन ने ऑटोमेटिकली ये कन्वेयर लगा हुआ है, सारा सर्वो से ऑपरेटेड है, सर्वो के साथ चलेगा। ये आप देख सकते हो ये कन्वेयर लगे हुए हैं, दोनों सर्वो से सारा ऑपरेटेड कन्वेयर है। और ये इसने ऑटोमेटिकली उतने जगह पर ही लेके जाना है। ये सेंसर लगा है, सेंसर ने ऑटोमेटिकली उतने उतने सेंटीमीटर पर ही जाके स्टॉप कर देना है जितना कि आपने प्रोग्राम में फीड किया हुआ है। स्टॉप करने के बाद उसी उसी सेंटीमीटर पे आपका पिनिंग होगा। पिन होने के बाद ये हमारा फोल्डिंग का स्टेशन है। यहाँ पे फोल्ड होके नोटबुक यहाँ पे एंड में स्क्वेयर होके बाहर आ जाएगा। ये था हमारा 3-in-1 स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जैसे अब ये नोटबुक है, ये पिन लग के जैसे उधर हमने डबल का सेट डाला था, डबल का सेट डालने के बाद सेंटर में इसका पिन होके फोल्ड होके स्क्वेयर होके बाहर आ गए। डबल कॉपी का सेट है, सेम वैसे का जैसे हमने उधर डाला था। तो स्क्वेयरिंग होने के बाद आपका जो है ये कॉपी तैयार है। अभी हमारा आगे काम आता है कटिंग में। कटिंग में हमने देखना है कि ये जो आपका फिनिशिंग कॉपी है यहाँ पे, जितना ये चीज़ है इसको काटने के लिए हमारा फिनिशिंग कटिंग मशीन में आएगा। तो कटिंग मशीन में हम ये लेके आते हैं, इसमें भी हम प्रोग्राम डालेंगे कितने कितने सेंटीमीटर में ये प्रोग्राम डलेगा। उसके बाद आपका जो है ये सारा इसमें आपका प्रोग्राम डलेगा कटिंग का। तो प्रोग्राम डालने के बाद जितने सेंटीमीटर की आपने यहाँ से काटनी है, जितने सेंटीमीटर यहाँ से काट के इसको सेंटर में कटिंग करके आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसे का तैयार हो जाएगा। जैसे मेरे पास अभी कॉपी पड़ी हुई है, ये सारा इसको हमने इसमें से ही काटा है। तो ये सारा आपका इसी मशीन में कटा हुआ है, सारा आप देख सकते हो सारा इसी में कटा हुआ है। सारा ये जितने कॉपी से सारे हमारे इधर ही बने हुए हैं। अभी हमारा इसके आगे प्रोसेस आता है ऑप्शनल पैकिंग करने का काम। अभी नोटबुक हमारा बनके रेडी हो गया सारा। रेडी होने के बाद हम चाहते हैं इसका हमारा पॉलीथीन का रैप हो, तो उसके लिए हमारा श्रिंक रैपिंग मशीन होता है, आप देख सकते हो। इसमें हमने इधर पॉलीथीन का रोल लगाना होता है। पॉलीथीन का रोल लगा के हमने इसके ऊपर पन्नी चढ़ा के इसके अंदर कॉपी रख के रोल के साथ ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसमें हीटर लगा होता है, उसने ऑटोमेटिकली इसको श्रिंक करके रैप करके पूरा इसको पन्नी रैप कर देना। तो ये है हमारा फुली ऑटोमेटिक श्रिंक रैप मशीन और ये हमारा फुली ऑटोमेटिक मॉडल है, मॉडल नंबर 7, जिसमें हमारी पहली आई थी 3-in-1 स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन। दूसरे नंबर पे आई थी हमारी पेपर कटिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल, जो फुली हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक से चलती है। और थर्ड में हमारी आती है श्रिंक रैपिंग मशीन। उसके अलावा आप हमारे और मशीनें देखना चाहते हो, और मॉडल देखना चाहते हो, ये हमारी एक मॉडल नंबर 3 की सेमी ऑटोमेटिक पैक पड़ी है जो डिस्पैच के लिए रेडी है। ये वुडन पैक आप देख सकते हो, हैवी ड्यूटी पैकिंग हुआ होता है, ये सारा वुडन पैक हुआ हुआ है। जो जितना भी एक्सपोर्ट पैकिंग है बाहर जाने के लिए, ये सारा हमारा वुडन पैक किया जाता है। वुडन पैक होने के बाद फिर ये यहाँ से डिस्पैच होता है। उसके बाद ये देख सकते हो हमारा ये वायर नेल का सेट तैयार हुआ है, उसके ये पॉलिशिंग ड्रम और ग्राइंडर वो पेंट हुए हैं सारे। और इसका मैं आपको वायर नेल का जो हेडर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारा हमारा जितनी चीज़ें आएगी सारी कलर कॉम्बिनेशन में आएंगे, जो जो आपने कलर होंगे उसी हिसाब से आपको पेंट मिल जाएगा सारा। ये अभी रैप हुआ जाने के लिए, इसमें आपका आएगा वायर नेल मशीन मॉडल नंबर 3,
जिसमें हाफ इंच से लेके 3 इंच तक के सारे साइजेस की नेल बनाई गई है मशीन, और ये फुली ऑटोमेटिक होता है। उसके आगे उधर वायर का रोल लगेगा, रोल लगने के बाद कील खुद ब खुद बन के यहाँ से आपका नीचे गिरता जाएगा, या ट्वे होता नीचे, यहाँ से बन के खुद ब खुद निकलता जाएगा। इसका वीडियो भी मैं अलग से शेयर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन मशीनों की वर्किंग वीडियो के माध्यम से इन मशीनों की कैसे वर्किंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो अच्छे से जान लेते हैं।
यहाँ से डिस्पैच हो जाए। आप इसे देख सकते हैं, पेपर कटिंग जो मैनुअल पे आपने देना हो वो भी हमारे पास मिल जाएगा, तो वो अलग अलग मॉडल्स हैं नोटबुक के, जो भी आपने देना हो वो मिल जाएगा। तो बस इतना था आज की वीडियो में, और कोई जानकारी चाहिए हो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप हमारे प्लांट पे विजिट भी कर सकते हो जिसका लोकेशन हमने नीचे दिया हुआ है।